वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज लाइफ कोच में हम बात कर रहे हैं गोल्स या रेजोल्यूशंस के बारे में, एंड स्पेसिफिकली हाउ टू सेट गोल्स और बनाना गोल्स के बारे में। एंड टू हेल्प अस एज ऑलवेज वी आर जॉइंड बाय अस्मा। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। सो मेरा पहले क्वेश्चन इज, क्यों आप गोल्स बनाना चाहिए? एक बड़े मज़े की एग्जांपल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस ही वाज इन अ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उनसे आके किसी वो जो टिकटिंग ऑफिसर होता है उसने कहा कि आप मुझे ज़रा टिकट चेक करा दें। एंड ही वाज नोन पर्सनालिटी, तो उनको जानता था वो किससे बात कर रहा है। तो उन्होंने जब अपने वॉलेट या जो भी बैग में देखना शुरू किया तो ही फाउंड आउट कि मैं टिकट तो लाया ही नहीं हूँ। तो वो यू नो द कंडक्टर को टेल के उन्होंने मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, यू नो आइंस्टाइन साहब कोई बात नहीं, खैर अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन रिप्लाइड कि नहीं नहीं नहीं, यू नो अगर मेरे पास टिकट नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। बहुत छोटी सी बात है, ऑफ कोर्स ट्रेन में बैठे हैं तो पता ही होगा, बट दैट्स द इम्पोर्टेंस। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपको पता क्या चलेगा आपकी मंजिल क्या है? फिर वो यही है ना कि अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई ना कोई और आके लिख देगा, एंड देन दैट बिकम्स योर लाइफ। पर वो मज़ा कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख के यहाँ पहुँचूँ, उसका चार्म और उसका मज़ा ही कुछ और है। अस्मा, किस किस्म के गोल्स की हम बात कर रहे हैं इस वक्त? मतलब एक गोल तो मेरा भी था शादी से पहले कि इतना वेट लूज करना है। आपका था, चाहे तो किसी और का होगा आपके सिचुएशन में, सॉरी दोनों का था। एक गोल ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज कहती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो फला फला मिलियन रुपीज होने चाहिए। बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म के गोल होते हैं। बिल्कुल सही, मुख्तलिफ किस्म के गोल होते हैं। पर जैसे जॉर्ज ने जो शुरू में बात की ना, गोल्स एंड रेजोल्यूशंस, अगर हम बहुत बेसिक लेवल पर आ जाएं तो ये गोल्स भी हो सकते हैं। फिर कुछ होती है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कि इस साल के बाद अगले साल में हमने ये सब करना है। रमज़ान रेजोल्यूशंस हमारे यहाँ, क्योंकि स्पेशली वो लोग जिनकी नमाज में पंक्चुअलिटी नहीं होती, तो बड़ा देखा जाता है कि रमज़ान के बाद नमाजें नहीं छोड़नी या रमज़ान के बाद यू नो ये एक अच्छा काम करना है। लेकिन फिर कुछ होता है और वो काम हो नहीं पाता, यू नो वो नमाजों में भी पंक्चुअलिटी नहीं आती। वो ये भी छोटे छोटे गोल्स ही होते हैं जो आपने लिए सेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि अब जैसे रेजोल्यूशन है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड रेजोल्यूट। तो रेजोल्यूट का मतलब है एडमेंट, डिटर्मिंड, किसी चीज को ठान लेने की, ठान लेना। तो जब आप किसी कोई अपनी रेजोल्यूशन पूरी नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में आपकी नीयत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोट था, यू नो आप एडमेंट ही नहीं थे, आप डिटर्मिंड ही नहीं थे। वो जैसे एक बहुत ही पुरानी वेल्श सेइंग है, जॉर्ज यू माइट हैव हर्ड इट, कि द हैंड डज नॉट ग्रैब व्हाट द हार्ट डज नॉट लॉन्ग फॉर, कि हाथ वो चीज पकड़ता ही नहीं है जिसमें दिल पूरा नहीं होता। तो यू नो दैट्स द के ओके। सो स्पेशली अगेन आई एम कमिंग बैक टू वेट, बिकॉज़ ये होता है जो कहते हैं ना यो-यो डाइटर्स, जो पतले होते हैं फिर मोटे हो जाते हैं फिर पतले, फिर क्या इसकी भी वजह यही है कि बिल्कुल दिल नहीं होता? मतलब उस मेरा भी ये था ना कि शादी थी तो दिल था उस वक्त, उसके बाद नहीं, खत्म हो गई। वो ये है कि आपकी बर्निंग, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है बर्निंग डिजायर। कि यू नो ख्वाहिश करना अच्छा ये मिल जाए अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बर्निंग डिजायर ऑन द अदर हैंड इज कि अगर ये मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई और वे नहीं है, फिर भी मुझे यही हासिल करना है। तो यू नो आप क्या चीज है, इज इट एक आम सी ख्वाहिश है या वाकई में बर्निंग डिजायर है? और उसके ऊपर यू नीड टू नो कि अच्छा क्या चीज है जिसके पीछे आई एम एमिंग फॉर, ठीक है क्या गोल है। फॉर एग्जाम्पल तो किरण आपने कहा जैसे वेट है, तो वेट आपका एक गोल बन जाता है। फिर आप अपने आप से सवाल करें, अच्छा अगर मैं ये गोल पूरा करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? ठीक है, सो यू माई योर आंसर माइट बी थिन बॉडी, फिर पूछे ये पतले जिस्म से मुझे क्या मिल रहा है। अपने आप से ये सवाल बार बार करें और एंड में आपके पास एक इमोशनल एक्सपीरियंस एक आएगा ना, आप मे बी यू कम डाउन टू कि अच्छा मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आपके जहन में ये एंड चीज बहुत क्लियर है ना, देन फॉलोइंग द डिजायर ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर हमें पता ही नहीं होता, जैसे मार्क ट्वेन सेड के यू नो मैं लोगों से हर वो काम करा सकता हूँ जो उन्हें चाहिए, लेकिन मुसीबत यह है लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। So you to know, you know why you're after any goal or resolution is very important. कि क्यों जा रहे हैं उसके पीछे। ठीक है। But also, I mean, for example, losing weight might be a resolution. Yeah. लेकिन it's not the goal. The goal is a fixed amount, like 20 pounds. Yeah, emotional happiness जो कह रही ना कि जो end में the eventual emotional happiness के I'll feel good. जैसे for example, if I can just pop to your board, yeah. I hope I don't fall things, make things fall here.
जैसे वेरी सिंपली जैसे जॉर्ज आपने कहा ना गोल है वेट, तो आप बना लें कि अच्छा लेट्स कॉल इट टारगेट, ना गोल है ना रेजोल्यूशन है, ये हमारा, अगर सबको मेरी राइटिंग समझ आ जाए तो एक आपका टारगेट है वेदर इट इज़ टू क्विट स्मोकिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या वेदर इट इज़ टू रिड्यूस वेट, ठीक है, तो अपना टारगेट बहुत क्लियर कर लें जो भी चाहिए वो क्या है. उसके बाद योर नेक्स्ट थिंग शुड बी ड्यूरेशन, अपने आप को डेडलाइन जरूर दें कि कितने अरसे के अंदर मैंने ये काम करना है जो भी मैंने करना है. I'd like quit smoking by the end of the, I don't smoke, लेकिन by the end of the एक महीना, ठीक है, एक महीना, no, end of the year, चलो, अच्छा, चलो एक साल, hang on, तो कितना टारगेट कितना सेट करना चाहिए गोल अचीव करने के लिए, जितना भी करें लेकिन उसको फॉलो जरूर करें. अब बहुत ही अगर आपको लगता है आप चेन स्मोकर हैं, साल फिर शायद थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि इसमें ड्रिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा है, जितना अपने आप को स्क्रंच करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप ले लेंगे. सो मे बी वन ईयर अगर हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस बाय 6 महीने, अच्छा ठीक है, तो ये आपने अपने आप को डेडलाइंस दे दी. और खाली यहाँ लिख के छोड़ ना दें, यहाँ छोटी सी डेट भी लिख लें कि आज है जो भी डेट सेप्टेम्बर 15th और कि सेप्टेम्बर 15th 2009 तक मैंने ये काम किया, इस तरह इसकी भी डेट दे दें, ठीक है. सो टारगेट दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया, और यहाँ पे अपना ये जो किरण हमने अभी इमोशनल एक्सपीरियंस की बात किया ना जी, वाई कि मैं ये स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ लेकिन क्यों, क्योंकि मेरी सेहत बेहतर होगी, मेरी जिंदगी, माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज जी, आई वांट टू सी माय चाइल्ड ग्रो अप, दैट्स द इमोशनल एक्सपीरियंस कि मैं शायद मर जाऊं तब तक इस यू नो स्मोकिंग कर करके. सो यू बी वेरी वेरी क्लियर कि यू नो अच्छा ठीक है, तो मैं अपने पोते पोतियों की शादी देखना चाहता हूं या उस पे नाचना चाहता हूं, ठीक है, तो दैट्स द इमोशनल एक्सपीरियंस. आई वांट माय वाइफ टू लाइक मी, रिड्यूस वेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वंस दिस एक्सपीरियंसेस आर वेरी क्लियर उस कैसे? That's now what you come to, the methodology. So how? How? कैसे? Okay. अब इसमें आपने अपने आप को दे दें कि अच्छा ठीक है, you know maybe you're going to you know go join some health club जिधर ये चीज promote की जाती है. ठीक है, आपने एक health club join कर लिया. अब this depends on the kind of your personality. Maybe you're someone जो movies से बड़ा inspire होता है. I might just say लेकिन okay. पहले पहले महीने आई रिड्यूस मेरा सिगरेट इंटेक बाय 5 सिगरेट, हां वो अब आप फिर इसको डिफाइन करेंगे. बिल्कुल, इफ आई स्मोक 20 सिगरेट हर डे, पहले दिन मैं 5 छोड़ूंगा सिगरेट पर दिन. मगर क्या हो रहा है जब 2 महीने के बाद मैंने दोबारा 4 दिन एक पैक अ डे पीना शुरू कर दिया, ठीक है, उस सिचुएशन में आप वापस अपने गोल पे वापस ट्रैक पे कैसे आते हैं? जब आप ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हाउ डू यू गेट बैक ऑन ट्रैक? आई रियली थिंक दिस बिट द वाई बिट, क्योंकि आप ऑफ ट्रैक तभी होते हैं जब आप इसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ ये कर किस लिए रही हूँ, व्हाट एम आई यू नो गेटिंग टुवर्ड्स. आई मीन आई ट्राइड टू रिड्यूस वेट इन द पास्ट एंड आई हैव लॉस्ट वेट, लेकिन उske baad as you said you know ek mahine ke baad I put back on weight and then I just go let myself go totally theek hai but how do I as she said stay focused do I do have you to want to stay focused matlab do you why do you want to lose weight I think you look pretty handsome this way oh bahut lot of people like you on TV I mean it's very no because it's very different for you ab aapko roz 4 log phone kar kehte ho ho George aap to wah wah hi lag rahe hain. So you know, वो आप कहते हैं अच्छा मैं तो मोटा भी अच्छा लगता हूँ. तो फिर you know, why do you want to lose weight? I don't like this motor pit. हाँ, तो it's a personal thing. But why don't you like a motor pit? क्योंकि ये unattractive है, ये unhealthy है. When I lose weight, I have बहुत ज़्यादा energy. Active हो जाते हैं. Energy. तो फिर then you have to keep yourself on the track. So do I like look at the mirror and then remind myself ये? लॉट्स बहुत सारी इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं जिसमें कहते हैं रोज सुबह उठ के आप कहें कि नो नो आई एम थिन आई एम थिन आई एम थिन, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, जो हम एक कॉन्शियस माइंड है एक सब कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता कि झूठ क्या होता है, ठीक है, इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लाई एंड अ ट्रूथ. तो आप रोज सुबह उठ के कहते हैं तो आपका दिमाग बन जाता है कि नहीं आज मैं वेट लूज करूंगा, आज मैं वेट लूज करूंगा.